हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम पेज पर वाटरमार्क किस प्रकार से लगाएं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने MS Word प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों, वाटरमार्क लगाने से पहले यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस या फिर वर्ड या फिर मैटर लिखना होगा। तो दोस्तों, रैंडम मैटर को लिखने के लिए यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे, उसके बाद RAND रैंड लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्रेकेट ओपन और क्लोज करके इंटर कर देना है। आपके सामने कुछ रैंडम सेंटेंस लिख के आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब इसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वाटरमार्क। वाटरमार्क पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है। कस्टम वाटरमार्क में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेस्ट वाटरमार्क में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टेस्ट। आप यहाँ पे जो आप वाटरमार्क के रूप में लगाना चाहते हैं उसके आप यहाँ पे लिख लेंगे। मैं यहाँ पे दोस्तों अपने चैनल का नाम लिखूंगा। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अवध ग्लो। अवध ग्लो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं उसे फॉन्ट पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसको साइज में सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फुल साइज ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं रेड ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छा दिखे। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल और डायगनल पूछ रहा है, तो हम डायगनल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हमारा वाटरमार्क लग चुका है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।